इन दो साल में एक ऐसा मोमेंट सोच लीजिए जिस समय आपको लगा कि सब खराब हो चुका है, सब लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा है, पढ़ने का कोई रीजन नहीं बचा है, आपको लगा कुछ नहीं बचा यार, अब तो बस हो गया, गिव अप हो गया। उस टाइम के बारे में सोचिए और आज सोचिए आप उस चीज से निकल गए। अरे वी विल मिस यू, एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, रैंक निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहले ये बताओ आपने दसवीं के बाद स्टार्ट किया होगा तो आपने कई बार सोचा होगा कि यार आईआईटी में जाना है, यहां जाना है, कितनी लंबी स्टोरी है और कितने अप्स एंड डाउन्स आए, कितने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए आप सभी को, है ना। कई बार आपका दिल भी टूटा होगा, कई बार दिल बना भी होगा, कई बार आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चली होगी, कई बार तबियत खराब हुई होगी, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज हुए होंगे, कई बार घर पे कुछ नौटंकी हो गई होगी, अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आते रहे, हाँ या ना, अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आते रहे। और एक्चुअली में देखा जाए जिन लोगों ने इस अप्स एंड डाउन्स में ये मान लिया कि हाँ यार आगे बढ़ना ही है, ये तो बस पार्ट है लाइफ का, ये तो आता ही रहेगा, आगे भी आएगा, ठीक है, तो उन लोगों की तैयारी काफी अच्छी चली गई होगी, ठीक है। एक समय मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा, ठीक है, जिस चीज पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, दिस इज टाइम जो होता है ना वो हर चीज को वॉश आउट कर देता है, दिस टू शेल पास कहते हैं ना, ठीक है, मैंने टैटू भी बनवा रखा है, दिस टू शेल पास। आप वो मोमेंट इन दो साल में एक ऐसा मोमेंट सोच लीजिए जिस समय आपको लगा कि सब खराब हो चुका है, सब लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा है, पढ़ने का कोई रीजन नहीं बचा है, ठीक है, आपको लगा कुछ नहीं बचा यार, अब तो बस हो गया, गिव अप हो गया, ठीक है, उस टाइम के बारे में सोचिए और आज सोचिए आप उस चीज से निकल गए। और वो इतना बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो आज इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसके चक्कर में आप आगे अपना कदम ना रखें, है ना। वो सारी की सारी जो चीजें है ना, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो समय के साथ सब बीत जाती है, ठीक है। तो मैं थ्रू आउट द जर्नी में आपसे इसीलिए कहता था कि आगे बढ़ते रहो, क्यों, क्योंकि ये जो अप्स एंड डाउन्स है वो तो आते ही रहेंगे, और आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा कि नहीं यार, चाहे लाइफ में कितना भी कबाड़ा या कितना भी अच्छा हो, हमें तो आगे बढ़ना ही है क्योंकि समय आगे लेके जा रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो आप सभी को मैं कहता हूं, अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आगे भी आएंगे, तो आप सभी को बहुत हिम्मत के साथ इस एटीट्यूड को नहीं भूलना है जो आपने इस बैच में सीखा है कि फाइट मारना हमारे हाथ में है, ठीक है, रिजल्ट आए या ना आए लेकिन फाइट मारना तो हमारे हाथ में, और वो हम लोग आखिरी तक मार सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे लाइफ में भी फाइट मारते रहे, बी अ फाइटर, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए आगे लाइफ, घबराना नहीं है।